नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने अपना अड्डा जमा दिया। लंबे समय तक वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR की मांग करने लगे। जब FIR हुई तो उनकी गिरफ्तारी की मांग, तो ये साफ लगने लगा कि ये धरना एक एजेंडा है। और ये बात तब और बढ़ गई जब 28 मई को ये विजेता पहलवान, भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले पहलवानों की टोली भारत के नए संसद भवन में घुसकर उत्पात मचाने की कोशिश करने लगे और खैरातियों का गैंग इनके साथ खड़ा हो गया। तो फिर इन धरनाजीवी स्वर्ण पदक और एशियाड में पदक जीते इन पहलवानों को पटक पटक कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इनकी हेकरी टाइट हो गई और फिर ये इनकी तमाम ड्रामे बंद हो गए और फिर ये अपने नौकरी पर लौट आए। अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई, पता नहीं क्या मुलाकात हुई, पूरी पलटी मार गए। गंगा में पदक बहाने का पूरी योजना भी इनकी गुमसुम हो गई। इसके बाद ये पूरी चुप्पी हुई। उस चुप्पी के बाद एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी किया पहलवान साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक के साथ उनके पति सत्यव्रत मलिक भी थे। इन दोनों ने ट्विटर पर ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो को आपको सुनना चाहिए। उस वीडियो में उन्होंने ये नाम लिया कि बबीता फोगाट और तीरथ सिंह राणा। बबीता फोगाट स्पोर्ट्समैन है, पहलवान है, और तीरथ सिंह राणा जो सोनीपत से जिला अध्यक्ष हैं BJP के, इन दोनों ने इन्हें धरना स्थल मुहैया कराया और धरना दिलवाया। इनकी बात को पहले सुनिए। इनके 2 मिनट के, इनके लगभग 10-11 मिनट के इनके उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप पाएंगे कि इस वीडियो में कई कट हैं, अलग अलग जगह पर इस कट को जोड़ा गया है। तभी लगेगा कि पूरी तरह से ये वीडियो जो है ये एक प्लांड में बनाया गया है, एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। इस वीडियो में बड़े सलीके से वो कह रही है कि किस तरह से बबीता फोगाट ने और तीरथ सिंह राणा ने दोनों ने इन्हें जगह मुहैया कराया। मतलब भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा तैयार किया, ऐसा साक्षी मलिक और उसके पति सत्यव्रत कह रहे हैं। पहले इस वीडियो को सुनिए और सुनते समय इसके एक एक कट पे ध्यान दीजिए कि ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई है। क्या सचमुच मोदी के विरोध में मोदी के लोग ही खड़े थे या कांग्रेस ने कुछ नया स्क्रिप्ट तैयार किया गया? इस वीडियो को पहले सुनिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि उसने भारतीय महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और भी काफ़ी सारे जो हैं घोटाले फेडरेशन के माध्यम से उसने किए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और साथ में मीडिया भी कई तरह की खबरें जो है दिखा रहा है। तो हमारा आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है, वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था, वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो BJP के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो BJP लीडर तीर्थ राणा और BJP लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो है इस तरह की छेड़छाड़
जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के करियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है ब्रिजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया, तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। 28 तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कैसे उनको ज़बरदस्ती घसीटा गया और कैसे जो उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, जबकि हमने कोई भी जो है कानून नहीं तोड़ा था, ना ही किसी संविधान का उल्लंघन किया था, फिर भी हमारे ऊपर जो है इतना ज़ोर ज़बरदस्ती का और इतना बर्बर व्यवहार जो है किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रोन दिया गया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। उसके बाद हम सब ने अपने सारे मेडल्स गंगा जी में विसर्जित करने का फैसला लिया, क्योंकि हमें वो अपने सारे मेडल्स बेमानी नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बांधने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांधने जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। वहाँ भी हमने फिर समझदारी जो है दिखाई और जो है रुकने का निर्णय लिया कि अभी हम रुक जाते हैं। और एक और बात क्लियर कर दे कि वो मेडल हमने सिर्फ अपने कोचिज को और अपने माँ बाप को वापस दिए थे। वहाँ पे क्या चल रहा था ये हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम उस मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि हम वहाँ पे किसी साजिश को या वहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ को समझ पाते। हम बहुत ही एक तनाव में और एक बहुत दुखी मन के साथ अपने जीवन की पूरी कष्ट कमाई को वहाँ लेके गए थे
लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसको, क्योंकि हम जो है आंदोलनकारी नहीं है ना, हमें एक्सपीरियंस है, हमने जो पूरी ज़िंदगी कुश्ती करी है ना, सोशल लाइफ भी नहीं जी है, तो कई बार इस तरह के जो माहौल क्रिएट होते हैं वो नहीं समझ में आते। साथ में हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई वहाँ पर लेके गए हुए थे। इस घटना के बाद हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारे साथ है, कौन जो हमारे खिलाफ है, कौन इस तंत्र का हिस्सा है। हम दिमाग के रूप से बिल्कुल जो है ब्लैंक आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद कई लोग हमारे को मिलते रहे, कुछ कुछ समझाते रहे, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। इसी बीच ये समझाया गया हमको कि होम मिनिस्टर सर से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जो है सारे समाधान वहीं से निकलेंगे। हम वहाँ पे सिर्फ अपनी बात रखने के लिए गए थे। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई खापे जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान मत दो, अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हुई हो तो हमें माफ़ करो। इतने दिन लगातार संघर्ष करने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद हमने क्या महसूस किया है, क्या सीखा है, ये तो अभी हम आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते। लेकिन हमने कई ऐसे इंसान भी देखे हैं हमारे साथ, और कई ऐसे संगठन देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है पूरे जी जान से धरातल पर भी जो है हमारा जो समर्थन किया है, भाई चंद्रशेखर रावण का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये तंत्र जात पात में हमको बांट के बांटना चाहता था, लेकिन उस भाई ने हमारी दिल से सपोर्ट की है, तो चंद्रशेखर भाई का भी दिल से धन्यवाद। सत्यपाल मलिक जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने हमारे को प्रेरित किया कि कैसे बेबाकी से अपनी बात जो है रखी जाती है। साथ ही सभी महिला संगठनों का भी मैं जो है दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी ताकत उनमें थी हमारा सपोर्ट किया है। साथ ही छात्रों का भी, हरेक उस इंसान का जो निस्वार्थ भाव से हमारे पास हमारे समर्थन के लिए आए हैं, उनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आगे भी मुसीबत के समय में आप हमारा ऐसे ही साथ दें। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी लीडर जो हैं बबीता जी और तीर्थ राणा जी का, कि उन्होंने जो है पहलवानों को एकजुट करने का काम किया, साथ ही उन्होंने इस आवाज़ को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। उसके बाद इन्होंने ही सरकार के साथ जो है मीडिएटर बन के जो पहलवानों को एक कमेटी का नाम दे के जो है आश्वासन दिलवाया सरकार से, यही उसके बीच में जो है मीडिएटर थे। हालांकि वो बस एक आश्वासन ही निकला, क्योंकि उसके बाद जो है उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं निकला और रेसलिंग फेडरेशन ने अपना काम वापस से वैसे ही सुचारू रूप से जारी रखा, जिसकी वजह से फिर हमें 3 महीने के बाद वेट करके जब हमें न्याय नहीं मिला तो हमें दोबारा जो है वो जंतर मंतर पर आना पड़ा। हम अपने माध्यम से सभी देशवासियों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कभी भी किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है तो हमें जो है हमेशा ही एकजुट होने की जो ज़रूरत रहती है और होना चाहिए हमें एकजुट, क्योंकि हमने इतने इस दौर में यही महसूस किया कि कहीं ना कहीं तंत्र हमारी जो हमारी एकता की कमी है, जो हम बटे हुए हैं उसका ही ये फ़ायदा उठाता है। किसी के साथ भी अन्याय हो तो आप प्लीज़ एक साथ आइए, अन्याय के खिलाफ निस्वार्थ और सच्चे मन से अगर हम कभी भी एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद। साक्षी मलिक और उसके पति सत्यव्रत मलिक को आपने सुना, इन दोनों ने बड़ी गंभीरता से कही कि बबीता फोगाट और तीरथ सिंह राणा ने जगह मुहैया कराया। दरअसल लगातार ये जो कहा जा रहा था कि आंदोलन, ये जो पहलवानों को खड़ा किया गया, ये टूल किट्स थे, कांग्रेस ने खड़ा किया था, हरियाणा की हुड्डा परिवार ने तैयार किया था, और ये पूरा एजेंडा हुड्डा परिवार का था, ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा था, ये पूरा खेल इस रूप में रचा गया था, ये चीजें खुल करके सामने आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ही हरियाणा में ये बात खुलने लगा कि ये एक टूल किट्स था, इसमें जो ही एंट्री हुई रामदेव की एंट्री के साथ कुछ क्रिकेटर्स भी एंट्री कर गए हरियाणा से जुड़े हुए, फिर तिहार रिटर्न एक पत्रकार भी इस मामले में जुट गया जो हरियाणा से ही आता है, और उसके बाद अदालत लगाने वाला एक संपादक,
इन दोनों संपादकों का चाल चरित्र राष्ट्रवादी रहा, मोदी समर्थक रहा, तो फिर ये समझ में आता है कि क्या जो साक्षी मलिक कह रही हैं कि बीजेपी की भूमिका थी, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की भूमिका थी, उसमें भी कुछ सच्चाई है। वैसे बबीता फोगाट ने इस पर हमला किया है और ये कहा है कि ये पूरी तरह से एक साजिश है अपने एजेंडे से भटकाने का। तो महत्वपूर्ण बात ये कि एकाएक ये धरनाजीवी पहलवान जो अमित शाह से मिलने के बाद चुप्पी लगा गए, जो अमित शाह से मिलने के बाद अपनी नौकरी पे चले गए, एकाएक टुलकिटिये की टिकैती गैंग ने जब इन्हें प्रवोक किया और वो हताश हारे हुए खैराती पत्रकारों ने जब इन्हें प्रवोक किया तो फिर इन्होंने ही स्टैंड लिया, क्योंकि आपने इनके 11 मिनट के लगभग 11 मिनट का बाइट में कई कट देखे हैं जिसमें साफ लगता है कि इनसे ये स्क्रिप्ट पढ़ाया गया है। तो महत्वपूर्ण ये कि क्या शाह के डंडे से ये तिलमिलाहट है और पूरे आंदोलन की जमीन हिल गई है। सवाल यह उठने लगा कि जो लोग अपने पदक को गंगा में बहाना चाह रहे थे उन्होंने अपने दिए हुए करोड़ों के रुपए क्यों नहीं बहाए। इसीलिए साक्षी मलिक कह रही है कि हमने पदक इस डर से नहीं बहाए क्योंकि वहां लोग हमारे ऊपर हमला कर देते। इसका मतलब साफ हो गया कि किसान आंदोलन के बाद ये धरनाजीवियों का खेल क्या था और जब से इस पे शाह का डंडा चला है इनकी औकात सामने आ गई है। तो क्या सच ये है कि ये जितना दिखाई दे रहा है ये मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं, मोदी के टीम में रह करके भी ये खेल उन खिलाड़ियों का है। शाह को इन तमाम मुद्दों को बहुत गंभीरता से मुआयना करना चाहिए।